दक्षिणी दिल्ली के मुनीर का बस स्टैंड से वो लड़की बस में चढ़ी थी, लेकिन एक साल बाद भी मुनीर का से सटे इलाके में घुप अंधेरा होता है, जहां कभी भी कोई बड़ी वारदात हो सकती है। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में मौजूद है, वसंत कुंज में मौजूद है, और दिल्ली पुलिस के फाइलों की बात करें तो तकरीबन 930 ऐसी जगहें हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है जो डार्क स्ट्रेच है, यानी जहां पर रोशनी कम है और जहां पर महिलाओं के साथ वारदात वो ज़्यादा हो सकती है। ये अगर इस रूट की बात की जाए तो ये रूट वसंत कुंज से वसंत विहार को जोड़ता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही तरफ अंधेरा है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर वो लगातार दिल्ली सरकार को लिखते भी रहे हैं ये डार्क स्ट्रेच है, यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ महिलाओं के साथ वारदात वो ज्यादा हो सकती है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार की नींद नहीं टूटी, दिल्ली में लगातार वारदातें होती हैं, लेकिन बाकायदा ये जगह हम आपको जो दिखा रहे हैं ये आइडेंटिफाई है और दिल्ली पुलिस के फाइलों की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की फाइलों में ये जो पूरा रूट है वसंत कुंज वसंत विहार को जोड़ने वाला, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाला, ये काफ़ी खतरनाक है। दिल्ली पुलिस की फाइलों के मुताबिक डार्क स्ट्रेच है, दोनों ही तरफ सड़क के अंधेरा है, ऐसे में यहाँ पर जो अपराधी हैं वो फायदा उठाकर किसी भी अपराध को अंजाम दे सकते हैं, ऐसा पुलिस ने अपनी फाइलों में भी कहा है। बावजूद इसके जो तमाम जो सरकारी अमला है उसकी नींद नहीं टूटी है। 16 दिसंबर के बाद आखिर क्या सीखा पुलिस ने जो, और जो दिल्ली के जो तमाम सरकारी अमला है उसने क्या सीखा, आप खुद कैमरे पर देख सकते हैं कि जो डार्क स्ट्रेच है अब भी ऐसा ही मौजूद है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे में किसी कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर कोई भी अपराध हो सकता है।